हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 का। तो देखिए, क्वेश्चन है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वेट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल्स टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन। तो हम इसे सॉल्व करते हैं कि इसमें कहते हुआ है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वेट एंगल्स। एंगल ए और एंगल बी क्या है? इक्वेट एंगल्स हैं, जिसमें कोस ए इक्वल है कोस बी के। हमें शो करना है एंगल बी इक्वल्स टू सॉरी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, है ना। तो देखिए, एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया, है ना। देखिए, ए और बी क्या है? इक्वेट एंगल्स हैं। मतलब यहाँ पे मैंने ए लिख दिया और यहाँ पर लिखा बी, क्योंकि ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसे हम क्या देंगे? सी दे देंगे। और ये जो इक्वेट एंगल्स होते हैं, इक्वेट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, है ना। जिनका दो एंगल्स जो होते हैं उनका सम 90 डिग्री हो जाता है, वो कहते हैं इक्वेट एंगल्स। दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, जैसे एंगल ए और एंगल बी, इनका सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो देखिए, एंगल ए और एंगल बी क्या है? इक्वेट एंगल है। तो हमने बना दिया एक ट्राइंगल, उसमें ए और बी को इक्वेट एंगल दे दिया, और एक एंगल सी है जो यहाँ पे एक 90 डिग्री का बनता ही है। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल बनता ही है, तो वो हमने सी दे दिया। अब देखिए, गिवन हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये लिखना ज़रूरी रहता है, है ना, है ना। एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वेट एंगल्स एंड कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, है ना। अब देखिए, हमें क्या करना है? टू शो दैट, टू शो, हमें क्या शो करना है? एंगल ए है वो इक्वल है एंगल बी के, ये हमें शो करना है, है ना। तो देखिए, अब हम करेंगे सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। आपको बस थोड़ा सा पिछला जो आपने कभी पढ़ा होगा 9th क्लास में, बस थोड़ा सा वो याद होना चाहिए, नहीं तो बहुत ईजीली हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो देखिए, सॉल्यूशन हम करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है कि कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, ये क्या है? गिवन है, है ना। अब कोस ए का फॉर्मूला क्या होगा? कोस ए का फॉर्मूला वही होगा। देखिए, दो के फॉर्मूले एक होंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। इधर भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ही होगा। अब देखिए, कोस ए पे थीटा कहाँ पर है? ए पे। तो इसका बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए सी, और हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या रहती है? ए बी ही रहती है हमेशा, है ना। मतलब इधर वाली साइड रहती है ए बी है जो। कोस बी, अब थीटा कहाँ पर है? बी पर है। तो अब बेस क्या हो जाएगा? अब बेस हो जाएगा आपका बी सी, है ना। अब बेस क्या हो जाएगा आपका? बी सी हो जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अब देखिए, ऐसा है ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और ए सी इक्वल्स टू बी सी, है ना। और बाय सी पी सी टी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्यूरेंट ट्राइंगल, ये आपने पहले पढ़ा होगा, उसकी मदद से हम कर देंगे एंगल ई इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ऐसे देखिए, पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, बस बाय सी पी सी टी से हमको करना रहेगा। इसे क्या हो जाएगा? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी।